हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 9 बजे वीडियो लाइव होता है आपका, तो इसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं। अन अकेडमी पर मेरे आपके ये एक्टिव पैसिव का कोर्स 23 तारीख से शुरू हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कोर्स 15 जुलाई से आपका दोपहर 3 बजे शुरू होगा, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों ही कोर्सेज को आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रीजनिंग की मेरी दोपहर 1 बजे फ्री क्लास होती है, इंग्लिश की शाम के 5 बजे फ्री क्लास होती है। इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए जिसमें हम लोग इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, फ्री हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए AMANT रेफरल कोड यूज कर सकते हैं आप। अन अकेडमी पर बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं जिनमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अन अकेडमी पर कई सारे बैचेस चल रहे हैं जिनमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इस समय ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 मंथ्स फ्री मिलेगा, 2 साल पे 1 साल का। तो 1 साल का 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 5850 में और 3 साल का सब्सक्रिप्शन 7020 में मिलेगा। SSC प्लस बैंक लेते हैं तो 1.5 साल का 8000 में और 3 साल का 10000 रुपये में आपको मिलेगा। इसके लिए आपको रेफरल कोड मेरा AMANT यूज करना होगा। और अगर आप एडिशनल डिस्काउंट या कुछ भी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042 व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? तो आप इनको फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा PDF आपको इस वीडियो की टेलीग्राम पे मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @AmanTrivedi आपका ये इंस्टाग्राम आईडी है। वहां पे आपको रील्स मिलती रहती हैं, एक रील कल मैंने यहाँ पे भी डाला था यूट्यूब पे भी, ऐसी ही रील्स मैं इंस्टाग्राम पे रोज आपको डालता रहता हूँ। शुरू करें आज की फ्रेजल वर्ब से। तो पहला फ्रेजल वर्ब हमारा आज का है मेकओवर। मेकओवर बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है, आपने इसको बहुत बार सुना होगा। मेकओवर मतलब हो जाता है ट्रांसफर करना, दो अर्थ होते हैं। एक तो मेकओवर का अर्थ होता है किसी का रूप बदल देना, किसी को एकदम चेंज कर देना, मेकओवर कर देना, तो एक तो वो हो जाता है। दूसरा मतलब अपनी प्रॉपर्टी या पोजिशन किसी को ट्रांसफर करना भी मेकओवर अर्थ होता है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, सिंस शी हैड नो इलीगल आयर, याद रखिए पढ़ लिखते हैं HEIR लेकिन इसको बोलते हैं आयर। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह इसका इस्तेमाल हो तो आप इसके पहले एन लगाते हैं, आर्टिकल एन लगता है, ध्यान रखिएगा। तो शी हैड नो लीगल आयर, शी मेड ओवर हर हाउस इन चैरिटी, यानी कि चूंकि उसके पास कोई भी लीगल उसका अग्रज नहीं था, वंशज नहीं था, इसलिए उसने अपना हाउस चैरिटी में दान कर दिया। तो मेक ओवर का एक अर्थ पोजिशन ट्रांसफर करना भी होता है। दूसरा मेकओवर का अर्थ आप इससे याद रख सकते हैं, आपको ये याद होगा नसीब अपना अपना की जो एक्ट्रेस होती हैं, इसमें शुरू में ये कैसे लगती हैं और एंड में ये कैसे लगती हैं, तो उनका मेकओवर हो जाता है, यानी कि बिल्कुल रूप बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो मेकओवर का एक अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है आपका। दूसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है मेकअप। मेकअप का मतलब हो जाता है टू एंड क्वेरल या फिर कंपोज करना, अपनी किसी लड़ाई झगड़े को खत्म करना या कंपोज करना, कुछ बनाना मेकअप कहलाता है, ठीक है? सुलह करना या फिर जमा करना, ठीक है? सुलह करना बेसिकली दो लोगों के बीच में झगड़े को खत्म करना मेकअप कहलाता है। यू शुड मेक एन अफर्ट टू मेकअप अ क्वेरल विद योर फ्रेंड, यानी कि तुम्हें अपने फ्रेंड से झगड़ा खत्म करने के लिए कोई एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो मेकअप का मतलब हो जाता है टू एंड क्वेरल, झगड़ा खत्म करना, ठीक? तो आप इसको याद रख सकते हैं, दे मेड अप देयर क्वेरल टू डिफीट गुड्डू भैया, इन दोनों ने आपस में सुलह कर ली थी गुड्डू भैया को हराने के लिए। तो मेकअप मतलब हो जाता है आपका झगड़ा खत्म करना, ठीक है? मतलब क्वेरल को खत्म करना, रिकंसिलिएट करना, हैच अप द ओल्ड, ये हो जाता है हैच अप द, सॉरी, बरी द ओल्ड, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब हो जाता है आपका पुराने झगड़े को खत्म करना, ठीक है? अगला हमारा फ्रेजल वर्ब होता है मेक अप फॉर। मेक अप फॉर का मतलब होता है कंपनसेट करना, किसी काम के लिए कंपनसेट करें या हर्जाना भरना एक तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड आपका कंपनसेट करना, ठीक? तो किसी कमी को पूरा करना भी इसका अर्थ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक अप फॉर डेफिशियंसी इन स्टडी, यानी कि अपनी लंबी बीमारी के बाद में पढ़ाई में वो जो पिछड़ गई है उसको, कमी को पूरा करने के लिए वो अपना बेस्ट दे रही है, बेस्ट कोशिश कर रही है। तो मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी कमी को पूरा करना, कंपनसेट करना, एक तरीके से इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है? अगला एग्जाम्पल हमारा, जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो इससे,
कि यू हैव टू मेकअप, सॉरी मेड लिख दिया, मेक होगा, यू हैव टू मेकअप फॉर योर मिस्टेक। तो रामाधीर सिंह, इससे जब आपको याद होगा ये वाला सीन तो अच्छे से ही कि अब तो सच बोलते, तो यू हैव टू मेकअप फॉर योर मिस्टेक, यानी कि तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए अब कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मेकअप फॉर का अर्थ कंपनसेट करना भी होता है, कमी को पूरा करना भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, मेकअप फॉर मतलब हो जाता है किसी झगड़े को खत्म करना, सॉरी मेकअप फॉर मतलब हो जाता है किसी के लिए कंपनसेट करना। अगला हमारा जो वर्ड है वो है आपका पास अवे। पास अवे का मतलब हो जाता है किसी की मृत्यु हो जाना या गुजर जाने के लिए आता है पास हो जाना, पास अवे। ठीक, सो ऑन द पासिंग अवे ऑफ हिज फादर आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कंडोलेंस, यानी कि उसके फादर की मृत्यु होने पर मैंने उसे एक कंडोलेंस मैसेज भेजा, यानी कि मैंने उसे एक शांति संदेश भेजा। ठीक है, शोक संदेश भेजा। तो आप याद रख सकते हैं, कल ही हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई है, शी पास्ड अवे यस्टरडे, जो है दादी साए हैं बालिका वधू की, इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, इनकी मृत्यु हो गई है आपके हाल फिलहाल में ही। इसके अलावा अगला एग्जाम्पल हमारा, अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा पास फॉर। तो पास फॉर का मतलब हो जाता है रिगार्डेड टू बी। ठीक है, किसी चीज को रिगार्ड करना, किसी चीज का को समझना, जैसे इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ अच्छे से, किसी रिगार्डेड टू बी इज द राइट आंसर, माना जाना किसी को, जैसे द टाटास पास फॉर फिलंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री, यानी कि टाटास को फिलंथ्रोपिस्ट माना जाता है देश में। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड यानी कि जो दान बहुत करता है उसे कहते हैं। सो द टाटास पास फॉर फिलंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री, टाटास को देश में फिलंथ्रोपिस्ट माना जाता है। ठीक है, तो पास फॉर मतलब हो जाता है रिगार्डेड टू बी, द टाटास आर रिगार्डेड टू बी फिलंथ्रोपिस्ट इन द कंट्री। ठीक है, नेताजी कुड स्पीक जर्मन सो ही कुड इजिली बी पास्ड फॉर जर्मन, नेताजी जर्मन बोल सकते थे इसलिए उन्हें आसानी से जर्मन समझा जा सकता था इन जर्मनी। ठीक है, तो पास फॉर मतलब हो जाता है आपका टू बी रिगार्डेड एज। ठीक है, अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है आपका पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, बीतना या फिर समाप्त होना। ठीक, सो इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुली, इलेक्शंस जो हैं वो आसानी से पास ऑफ हो जाएंगे, टेक प्लेस हो जाएंगे, बीत जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आता है पास ऑफ। जैसे एग्जांपल है आईपीएल कुड नॉट पास ऑफ हो गया, आईपीएल कुड नॉट पास ऑफ इजिली दिस ईयर, इस साल आईपीएल आसानी से नहीं हो पाए। ठीक है, तो पास ऑफ मतलब हो जाता है आपका गुजर, पास ऑफ मतलब आपका हो जाता है टेक प्लेस, होने के सेंस में आ जाएगा पास ऑफ। ठीक है, अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है पास वनसेल्फ ऑफ। तो पास वनसेल्फ ऑफ का मतलब क्या होता है, पास वनसेल्फ ऑफ का मतलब हो जाता है आपका शो ऑफ करना। ठीक है, अपने आप को किसी की तरह प्रिटेंड करना, दिखाना, जैसे द हिपोक्रेट्स ऑलवेज पास देमसेल्फ्स ऑफ एज ऑनेस्ट, यानी कि जो पाखंडी होते हैं, जो हिपोक्रेट होते हैं, वो हमेशा अपने आप को बहुत ही ईमानदार दिखाएंगे। तो पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब होता है प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना। सो जैसे रामाधीर सिंह यूज टू पास हिमसेल्फ ऑफ, यहां भी पास्ट लिख दिया है, टाइपिंग एरर्स है काफी, रामाधीर सिंह यूज टू पास हिमसेल्फ ऑफ एज अ वेरी हम्बल पर्सन। तो रामाधीर सिंह पब्लिक में अपने आप को बहुत ही हम्बल व्यक्ति दिखाता था, विनम्र व्यक्ति दिखाता था। ठीक है, तो पास वन सेल्फ ऑफ मतलब हो जाता है आपका अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करना, दिखाना, शो ऑफ करना। अगला हमारा idiom phrasal verb हो जाता है pass through। pass through का मतलब हो जाता है किसी चीज के थ्रू गुजर जाना, undergo, go through, किसी से गुजर जाना, undergo होना, endure करना, सहना। So for example, he is passing through financial difficulties these days। Sorry, वह इस समय financial difficulties से गुजर रहा है। तो pass through का मतलब हो जाता है go through, किसी से गुजरना। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल गुड्डू भैया वॉज पासिंग थ्रू अ वेरी रफ फेज, गुड्डू भैया बड़े ही मुश्किल समय से गुजर रहे थे। ठीक है, तो पास थ्रू का मतलब हो जाता है आपका गुजरना। ठीक है, पास थ्रू मतलब किसी से गुजरना, सहना, एक तरीके से मुश्किल समय से गुजरने के लिए आता है पास थ्रू। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है पास आउट। पास आउट का मतलब हो जाता है आपका कहीं से, कॉलेज से आप पास आउट होते हैं, तो जैसे ही इज 12th पास आउट, उस सेंस में ही आता है। The cadets will pass out next month after completing their training. Cadets जो हैं वो अगले महीने pass out हो जाएंगे अपनी training complete करके। तो pass out मतलब हो जाता है leave after
एजुकेशन, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद गुजरना, ठीक। सो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है आपका पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब हो जाता है आपका ढहाना, किसी स्ट्रक्चर को गिराना, ठीक है, गिराना या फिर ढहाना। तो व्हाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, उन्होंने दुकानों को ढाया क्यों। जैसे किसी बिल्डिंग को गिराते हैं तो उसके लिए पुल डाउन, पुल डाउन हो जाता है, बुलडोजर, बुलडोज करना होता है, इसीलिए उसको बुलडोजर कहते थे। और पुल डाउन हो जाता है रेज, रेज मतलब RAZE भी हो जाता है, ठीक है, तो डिमोलिश करना स्ट्रक्चर। सो बीएमसी पुल्ड डाउन कंगनाज ऑफिस, तो कंगना के ऑफिस पे बीएमसी ने आपका बुलडोजर चलाया था, तो बीएमसी पुल्ड डाउन कंगनाज ऑफिस। पुल डाउन मतलब गिराना या ढहाना, ठीक। अगला है पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब हो जाता है सफल होना, सक्सीड करना। सो जैसे इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच, आखिरी स्टेज में, मैच के आखिरी स्टेज में इंडिया जो है सफल हुई थी, सक्सीड करी थी, ठीक। सो फॉर एग्जांपल इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, भारत ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में विक्ट्री की, यानी कि जीत हासिल की, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब हो जाता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, यहां अभी कर चुके हैं आपका पुल थ्रू, यानी कि बीमारी से गुजरना, ठीक होना, बचना। I think he will pull through his serious illness very soon. मुझे लगता है कि वो अपनी गंभीर बीमारी से जल्द ही गुजर जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पुल थ्रू बीमारी से उबरने के लिए आता है पुल थ्रू, ठीक है। सो पुल थ्रू आप याद रखेंगे, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। अगला हमारा है पुल अप। पुल अप का मतलब हो जाता है डांटना या रोकना किसी को, या क्रिटिसाइज करना, क्या कहलाता है पुल अप, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल फॉर दियर मिसबिहेवियर विद क्लास टीचर। स्टूडेंट्स को डांट पड़ी थी उनके प्रिंसिपल के द्वारा फॉर दियर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर। क्लास टीचर के साथ वो मिसबिहेव किए थे, इस वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें डांटा। तो पुल अप का मतलब होता है डांटना, रोकना या क्रिटिसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप सेंटर ऑन कोविड वैक्सीन, आस्क्स इफ पॉलिसी इज टू मेक स्टेट्स कंपीट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये न्यूज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फटकारा या डांट लगाया, तो वो नहीं पेपर में, हिंदी पेपर में निकलता है फटकार लगाई, तो पुल अप उसी सेंस में आ जाता है फटकार लगाना, ठीक है। ये बहुत ही आपको फ्रिक्वेंटली दिखेगा अखबारों में। अगला है हमारा पुल विद। पुल विद का मतलब हो जाता है आपका लिव टूगेदर, साथ साथ रहना, गेट ऑन विद, ठीक है। तो साथ साथ ही इज पुलिंग वेल विद हिज वाइफ दीज डेज, यानी कि वो अच्छे से अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, तो ये सिंपल था। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब हो जाता है क्रश करना, किसी को नीचे रखना या क्रश करना, कुचलना या दबाना, ठीक है। सो द राइट्स वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस के द्वारा दंगों को कुचल दिया गया, खत्म करा दिया गया। तो पुट डाउन मतलब हो जाता है क्रश करना या नीचे रखना, दबाना, कुचलना, ठीक है। सो अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब पुट ऑफ या पुट ऑन द बैक बर्नर, मतलब हो जाता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, अवॉइड करना, डिस्करेज करना, ठीक है, किसी चीज को टाल देना। द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम। मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आ पाए थे। तो पुट ऑफ मतलब हो जाता है आपका पोस्टपोन करना या अवॉइड करना, ठीक है, चल कैंसिल करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए आ जाता है। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन होता है आपका वियर, कपड़े के लिए अगर आपसे मैं कहूं कि ये पुट ऑन दिस ड्रेस, आप इस कपड़े को पहनिए। और पुट ऑन का दूसरा अर्थ होता है पुट ऑन अ स्माइल, मतलब एक स्माइल चेहरे पर लाओ। तो प्रिटेंड करना भी होता है, ढोंग करना या वस्त्र पहनना। इट इज डिफिकल्ट टू पुट ऑन द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि एक बिल्कुल इनोसेंट की तरह बिहेव करना या इनोसेंट का फेस बना के रखना मुश्किल है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। तो याद रख सकते हैं जैसे कि दीज पीपल आर पुटिंग ऑन स्माइल्स ऑन देयर फेस नाउअडेज, तो मतलब वो लोग अपने फेस पर स्माइल लेकर चल रहे हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी। अगला है पुट आउट। पुट आउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, एसएससी में फिलर्स में कई बार आ चुकी है। पुट आउट मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, मोमबत्ती को बुझाने के लिए पुट आउट होता है, ध्यान रखेंगे इसको।
ब्लो अप नहीं होता है। कई लोग जैसे द कैंडल डैश द कैंडल डैश द कैंडल, तो ब्लो अप द कैंडल नहीं होता, ब्लो अप मतलब होता है उड़ा देना, विस्फोट करना। पुट आउट द कैंडल होगा क्योंकि कैंडल को बुझाने के लिए पुट आउट होगा, बुझाना या परेशानी हो। द फायर वॉज पुट आउट सडनली, तो फायर जो है जल्दी ही बुझा दी गई थी। ठीक है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स आर पुटिंग पुट आउट हो जाएगा, यहां पर पुल आउट लिखा हुआ है, पुट आउट मतलब हो जाता है एक्सटिंग्विश करना। ठीक है, अगला है पुट अप। पुट अप मतलब होता है रहना कहीं पर, स्टे। पुट अप मतलब क्वेश्चन भी होता है, ही पुट अप अ क्वेश्चन मतलब किसी क्वेश्चन को सामने रखना। दूसरा पुट अप मतलब स्टे भी होता है, स्थापना करना या ठहरने का इंतजाम करना, प्रस्तुत करना। सो ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज, यानी कि वो आजकल हॉस्टल में रह रहा है। तो पुट अप का एक अर्थ स्टे करना भी होता है। ठीक है, ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज। ठीक है, पुट अप मतलब स्टे करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पुट अप विद, तो पुट अप विद मतलब होता है टॉलरेट पेशेंटली, किसी को बहुत ही पेशेंटली धैर्यपूर्वक सहन करना, झेलना। तो बर्दाश्त करना या सहना इज द राइट टर्म। फॉर एन ऑनरेबल पर्सन इट इज डिफिकल्ट टू पुट अप विद द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है डायरेक्टर के इतने हॉटी बिहेवियर को झेलना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। तो पुट अप मतलब हो जाता है बहुत ही किसी को टॉलरेट करना या बर्दाश्त करना। ठीक है, जैसे कि ये लड़का बहुत बर्दाश्त कर रहा है अपने बॉस को। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।